हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग मित्र में। आज इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का इंट्राडे एनालिसिस करते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, टेलीग्राम का चैनल ओपन कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि लास्ट डे हमने कौन कौन सी ट्रेड किए थे। जून का देखें हम, एलएनटी में हमें नेगेटिव लग रहा था और हमने 905 पर एलएनटी को सेल किया, और जो हम टारगेट लेके चल रहे थे एक्सपेक्टेड 900 का और 895 का, बट साइडली मार्केट में कुछ पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिला, तो हमने 908 पर अपना लॉस बुक कर लिया। 3 पॉइंट का जो लॉस था हमने बुक कर लिया। नेक्स्ट फिर रिलायंस में एक अच्छा चार्ट डेवलप हो रहा था जो कि हमें पॉजिटिव व्यू देखने को मिल रहा था, तो हमने उसमें बाइंग बाइंग किया। देन नेक्स्ट 1750 उसका एक मेजर सपोर्ट लेवल था जो कि उसने इवनिंग टाइम में ब्रेक कर दिया, तो पोजिशनल जो ट्रेडर्स हैं वह बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ इसमें आगे बढ़ सकते हैं, बट इंट्राडे जो ट्रेडर हैं वह अपना लॉस बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। बेसिकली रिलायंस का जो टारगेट है पोजिशनल टारगेट 2000 प्लस का है, आने वाले दिनों में आपको रिलायंस 2000 प्लस देखने को मिल सकता है। और लास्ट में हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड एनालिसिस किया था। लास्ट डे हमने बैंक निफ्टी में किसी तरह कोई भी ट्रेड नहीं लिया था, बट हमने ट्रेड को एनालिसिस किया कि हम नेक्स्ट डे इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने, आप देख सकते हैं, ओपन करते हैं इसको, तो हमने एक रेंज को डिफाइन किया था, तो रेंज निकल के आया था 21,850 अपसाइड एंड डाउनसाइड इसका था 21,580। बैंक निफ्टी का ये एक साइडवेज जोन हमने डिसाइड किया था और इसके ऊपर निकलने पर आपको एक बढ़िया तेजी देखने को मिलनी चाहिए थी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी ट्रेड इन अ रेंज 21,580 21,850। नेक्स्ट डे वी विल प्लान ब्रेकआउट रेट, तो हमने प्लान किए करके चला था कि नेक्स्ट डे हम ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करेंगे, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं व्यू मेरा पॉजिटिव था और सपोर्ट 21,580। तो ये व्यू हमने कल बैंक निफ्टी के लिए लिया। मॉर्निंग में आप देख सकते हैं 9:13 बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप्स, बैंक निफ्टी का जो व्यू था वो हमारा बाय ऑन डिप्स था, तो मॉर्निंग में आप देखेंगे बैंक निफ्टी आपको ऊपर खुलता है 21,800 के करीब और उसके बाद वह 21,900 के करीब हाई भी बनाता है और सडनली उसके बाद इसमें फॉल भी आने को मिलता है, बट मार्केट ओपन होने के पहले हमने अपना स्ट्रेटेजी को डिफाइन कर लिया था कि हमें किस लेवल पर हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस हमें 21,400 के नीचे प्लेस करके रखना था और बाइंग जो हमारी रेंज थी 21,500 से 21,750, तो एवरेज निकालें आप 21,625 से 650 के करीब हमारा जो बाइंग बनता था बेस्ट बाइंग, मतलब 21,625 से 650 हमारा बेस्ट बाइंग रहता, और टारगेट जो हम लेके चल रहे थे 21,850 फर्स्ट, सेकेंड 22 एंड थर्ड 22,160। इस टारगेट के लिए हमें इसमें ट्रेड करने का हमने मॉर्निंग में ही प्लान किया था, तो मॉर्निंग में आपने देखा। अब इसके लिए हम जिरोधा के चार्ट चलते हैं, तो जिरोधा को ओपन कर लेते हैं, कर लिया है। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं, बैंक निफ्टी का हमारा चार्ट ओपन हो गया है। अब आप देखेंगे इसमें चार्ट फ्रेम को हम 15 मिनट का कर देते हैं, तो फर्स्ट कैंडल ही देखेंगे आप मॉर्निंग में 800 के करीब ओपन होता है और सडनली आपको एक अप ट्रेंड में मार्केट जाते हुए देखता है, 21,900 प्लस ये टच करता है, बट हम वेट करते हैं। और उसके बाद जो हमने रेंज डिफाइन किया था कि हमें 21,750 और 21,500 के बीच में हमें बाइंग करना है,
तो आप देख सकते हैं जो हमारा वेस्ट बैंक था 21,625 से 650 इस लेवल को इसने टेस्ट किया है, तो इस लेवल पर हम अपना बाइंग कर सकते थे। बट एग्जिट लेवल पे आप बाइंग नहीं कर पाते हैं, तो कई बार क्या होता है आप प्लस और माइनस हो जाता है। तो मैं अपने अपने बारे में बताऊं कि मेरा जो बाइंग रेट था वह क्या था। तो मेरा बाइंग रेट था, ये आप सिंगल कैंडल देख पा रहे हैं, ग्रीन कैंडल। तो मैंने अपना रेंज लेके चला था 700 से 500 के बीच में, मुझे इसमें बाइंग की पोजीशन बनानी थी। तो इसका जो ग्रीन कैंडल है लाइक अ हैमर, मैंने इस पर इसमें बाइंग की पोजीशन इनिशिएट किया। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं जो अपना फर्स्ट टारगेट था 850 का इसने अचीव किया। देन उसके बाद मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट था और कहीं ना कहीं अपने हाई को ब्रेक कर सकता था, तो हमने वेट किया। और उसके बाद आपको ले चलते हैं अपने टेलीग्राम पर, तो आप देख सकते हैं टाइम टू टाइम जो आप लेवल देखेंगे, 10 बजे हमारा पोजीशन मर्ज हुआ बाइंग का। देन फर्स्ट टारगेट हमारा 10:05 पर विद इन मिनट हमें देखने को मिल गया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं 10,900 के ऊपर जब ट्रेड किया था, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से एक मूवमेंट तेज हो सकता है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो 22,000 का टारगेट था, सेकेंड टारगेट हमारा 1:36 पर अचीव हो गया है। देन उसके बाद 22,040 पर बुक फुल प्रॉफिट के लिए मैंने सजेस्ट किया। और जो रिस्की ट्रेडर्स हैं उनके लिए फिर मैंने नेक्स्ट बताया कि 2:30, 2:30 पर वो 21,980 का एसएल लेके चाहे तो, जिनने यदि प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो वह उसके लिए ट्रेल कर सकते हैं, एसएल को ट्रेल करें और पोजीशन को ओपन छोड़ सकते हैं। तो विद इन अ मिनट आप देखेंगे 2:42 पर 22,250, और उसके बाद फिर मार्केट लास्ट लास्ट तक अपना हाई पे हाई बनाते चला गया। तो आप देखेंगे लास्ट को जो मार्केट क्लोज हुआ, तो उस समय आप मार्केट का हाई देखेंगे, तो मार्केट ऑन टॉप पर ही मार्केट क्लोज हुआ, 22,360 के करीबी मार्केट क्लोज हुआ है। तो आज का जो डे था वो हमारा बहुत ही प्रॉफिटेबल डे था, और 22,000 के जब ऊपर सस्टेन किया उसके बाद हमने अपना एसएल बहुत ही एक छोटा एसएल 21,980 का रखा, जो कि ट्रेलिंग एसएल वो हमारा बिटवीन है, और उसके बाद हमें बेटर प्रॉफिट देखने को मिला। तो ये होता है पावर ऑफ प्री प्लानिंग। यदि हम किसी ट्रेड को करने के पहले प्रॉपर प्री प्लानिंग करते हैं तो वह हमें बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करा सकती है। जैसे लास्ट डे का हम बात करें, हमने L&T और रिलायंस में लिटिल वेस्ट लॉस बुक किया, बट इंट्राडे मार्केट की बात करें तो आप देखेंगे लगभग 600 प्लस पॉइंट हमें बैंक निफ्टी में आज मिले। तो आप सिंगल लॉट का बात करें तो 620 20, तो लगभग आपका 12,000 का प्रॉफिट आपका बनता है। तो चीज़ों को सीखिए, समझिए और चार्ट पैटर्न को रीड करिए, और उसके बाद केयरली ट्रेड करिए, और ट्रेलिंग एसएल को आप लेकर चलिए। आपके जो लेवल्स हैं, जैसा कि मैं 22,000 के एक लेवल मैंने पहले ही लेके चला था, उसके ऊपर निकलेगा मार्केट में तो और तेज़ी हो सकती है। तो 22,000 के बाद ऊपर जब सस्टेन किया, फिर हमने अपने एक ट्रेलिंग एसएल को लगाया 21,980 का, और मार्केट की पोजिशन को ओपन रखा कि मार्केट में जो मूवमेंट है, मोमेंटम पॉजिटिव साइड है, तो हम अपने प्रॉफिट को तो अर्न करते चलेंगे और साथ में ट्रेलिंग एसएल को बढ़ाते जाएंगे। बट लास्ट में आपने देखा है कि 22,350 के करीब हमें एक हैंडसम प्रॉफिट अर्न हुआ। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपको किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ट्रेड करें, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो मेरा एनालिसिस है इसके वहाँ पे आप किसी भी तरह कोई पोजीशन बनाएं, बट आप सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करें, मार्केट को समझें, सीखें, क्योंकि मेरे बताने से यदि आप ट्रेड करते हैं तो आप कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको सेल्फ ट्रेड करना ज़रूरी है।
तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी।